हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। तो गाइस, मैंने जो अपना लास्ट पॉडकास्ट डाला था, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि रेडिट कम्युनिटी की तरफ से एक पोस्ट आया था दीपिका मैडम के लिए, जिस पे उनकी सच्चाई, उनकी बेटी के बारे में बहुत कुछ खुलासा किया गया। आप लोगों ने उस वीडियो को, उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। कम से कम इस बात से ये तो मालूम चलता है कि मैडम की असलियत, सच्चाई जो है वो बहुत लोगों के सामने आ रही है और लोग जानना चाहते हैं। मैंने उस पॉडकास्ट पर रेडिट कम्युनिटी की तरफ से जो पोस्ट आया था, जो मैसेज था, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि पोस्ट कहाँ है, पोस्ट कहाँ है। तो मैं इस वाले पॉडकास्ट पे, अभी आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं ये पोस्ट लगा दे रही हूँ, आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। ये रेडिट कम्युनिटी की तरफ से ये पोस्ट, ये मैसेज छोड़ा गया था दीपिका मैडम के लिए। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ उन मैसेज के बारे में, उन कमेंट्स के बारे में जो कि आया गया है दीपिका मैडम के लिए, सभा के लिए बहुत कुछ मैसेज छोड़ा गया है उनकी हरकतों को लेकर के। तो आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे उसी बारे में। सबसे पहले इनके हाइजीन के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये लोग हाइजीन को बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखते हैं। आप सही में देख सकते हो दीपिका मैडम का जो 5 BHK बन गया है, अभी तो खैर बना नहीं, अभी भी रेनोवेशन हो ही रहा है, काम चल ही रहा है, इतना मैश फैला हुआ रहता है इनके घर पे, बिस्लेरी की बॉटल्स पे बॉटल्स इधर से उधर पड़ी हुई रहती है, ब्लू आप बैग्स देख सकते हो प्लास्टिक वाले, वहाँ पर सामान उसमें रखा हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा और इधर से उधर फेंका हुआ रहेगा। जनाब का जो कबर्ड है वो भी अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। अभी लास्ट वाले व्लॉग में जनाब ने दिखाया था कि हाँ, उसने अपना जो कबर्ड है कपड़ों का वो करके क्लियर किया है, वो भी पूरा नहीं किया है, वो भी अभी मैश बड़ा हुआ, इधर उधर कपड़े बिखरे हुए हैं। तो मतलब पूरे घर पे सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, जैसे तैसे फेंका हुआ है। उसके बाद हाइजीन की जहाँ तक बात रही, दीपिका मैडम खुद जुम्मे तो जुम्मे नहाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को नहाती है, उसके अलावा आप कभी भी नहीं देखोगे कि ये आपको नहाते हुए कभी भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये नहा करके आई है। एक तो उस टाइम पे, और दूसरा जब इसे प्रमोशंस करने रहे, हेयर ऑयल का, शैम्पू का, कंडीशनर का, जब इन सब चीज़ों का प्रमोशंस इसको करना रहेगा, जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर इसे सहना पड़ जाता है कोलैबोरेशन वाले लोगों की तरफ से कि मैंने कोलैबोरेशन के लिए आपको DM किया है, इन सब सारा सामान भेजा है और आप अभी तक प्रमोशंस नहीं कर रही हो, तब मैडम साहिब अपना एक व्लॉग लेकर के आ जाती है जिसमें उसको प्रमोशंस करने रहते हैं, वो भी उन सारी चीज़ों का जो कि वो खुद अपनी डेली लाइफ में ना तो यूज़ करती है और ना उस चीज़ को मेंटेन करती है। वो हेयर ऑयल का करेगी, तेल का करेगी, शैम्पू कंडीशनर ये सब का करेगी, जबकि आप खुद देख सकते हो कि एक तो वो नहाती नहीं है, दूसरा बाल में कंघी करने तक का तो उसके पास में टाइम नहीं रहता, मतलब करती ही नहीं है। टाइम का क्या बात है, उसके टाइम बहुत है उसके पास में, मगर वो करती ही नहीं है। तो उस चीज़ को वो खुद ही मेंटेन नहीं करती, तो बाकी को क्या ही सलाह देगी। खुद उसका छोटा बच्चा है उसके साथ में, उसे हाइजीन कम से कम मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन ना वो सब वो खुद भी नहीं करती है और दूसरे को भी नहीं सलाह देती कि तुम भी ऐसा करो। दूसरे से इन दी सेंस मैं बात कर रही हूँ चबूतरा मैडम की। आपने देखा ही होगा कि चबूतरा मैडम जब मोहदा से आ रही थी, मोहदा से वो भोपाल गई, फिर भोपाल से जब वो वापस यहाँ मुंबई आई, पूरा ट्रेन का सफ़र कर करके, पूरा ट्रेन जर्नी सारा सब कुछ कर करके आई और डायरेक्ट आकर के उसने रूहान को गोद में ले लिया। वो सीधा आकर के रूहान के पास में चली गई, ना उसने पैर हाथ धोया, ना ड्रेस चेंज किया, कुछ भी नहीं। अभी तो खैर सबको पता होगा कि अभी जिस टाइप से कोरोना निकला था, जिस तरफ से वो वायरस निकला था, उसके बाद वैसा ही अभी एक और वायरस निकला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिस वजह से सबको मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। इसका सिम्टम आप लोग जान ही सकते हो, बुखार वगैरह, पेट में दर्द, बदन हाथ में दर्द, ये सारा कुछ वो सब सिम्टम्स है उस वायरस के। तो वो वायरस अभी निकला हुआ है और उस वायरस की वजह से वो वायरस बहुत जल्दी फैलता है। जाहिर सी बात है कि वायरस जो है वो जल्दी फैलेगा ही फैलेगा, और इसका कोई अभी एंटीट्यूड निकला भी नहीं है। तो सबको कहा गया है कि आप लोग मेंटेन में रहो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, लेकिन चबूतरा मैडम को कौन ही समझाएगा। ये मैडम साहिबा कहीं भी आएगी तो आते के साथ सबसे पहले रूहान के पास में चली जाएगी। वैसे तो मैडम साहिबा जो है हमारे दीपिका मैडम, वो उसके 5 BHK में तो खैर किसी को अलाउ ही नहीं है आना, लेकिन जब अनहाइजीन की बात आ जाए तब तो चबूतरा मैडम पूरा देश घूम के भी आ जाएगी, तो सबसे पहले जाएगी रूहान के पास में। उस समय सबको एंट्री अलाउ हो जाती है कि आओ, अनहाइजीन मेंटेन करो, आते के साथ रूहान को सारा वायरस दे दो, रूहान की तबीयत खराब कर दो। मतलब किसी को भी ये नहीं कि जाकर के उस चबूतरा को टोके
कोई भी चबूतरा को ना तो मना करता है ना उससे बताता है कि ऐसा मत करो। यहाँ पर इन लोगों को सीख लेनी चाहिए दीपिका के फादर से। आप लोग देखोगे कि जब भी दीपिका के फादर आते हैं वो हमेशा मास्क पहन करके ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाइजीन क्या होता है। और वो कभी भी देख लो आप लोग रूहान को अपने गोद पर नहीं उठाते। वो कहीं से भी आएंगे तो वो रूहान को आते के साथ गोद पर में नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है कि हाइजीन मेंटेन कितना ज़रूरी हो चुका है आज के दौर पर। हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से छोटे बच्चे को तो और भी जल्दी सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तुरंत ही सब कुछ कैप्चर कर लेता है उसका बॉडी। तो लेकिन उस चीज़ को भी ये लोग अपने ये मिले कि हाँ उसके फादर कैसे करते हैं। आफ्टर ऑल ऐसा तो नहीं कि मालूम नहीं है, व्लॉग में सबका व्लॉग देखता है, सबको पता है कि व्लॉग में क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो कम से कम व्लॉग देख करके ही सीख लो कि उसके व्लॉग में उसके फादर किस तरह से आए थे और कैसे हाइजीन मेंटेन किया। लेकिन ना, ये सब कुछ नहीं करना है चबूतरा मैडम को, और कोई रोकता भी नहीं है इसे, कोई ठोकता भी नहीं। और ये पूरा अनहाइजीन मेंटेन कर कर करके पूरे जो इन्वायरमेंट को है ना वो पूरा अनहाइजीन कर देती है, एकदम वायरस से भर देती है। और ऐसा नहीं है कि लोग इन्हें बताते भी नहीं। दीपिका मैडम के व्लॉग हो जाए या फिर चबूतरा का व्लॉग हो, सबके व्लॉग्स में कमेंट आते ही आते हैं। अधिकतर लोग यही कमेंट करते हैं कि चबूतरा को मना करो, वो बाहर से आकर के रूहान को गोद में ना ले, तुरंत बाहर से आकर के रूहान के पास में नहीं जाए, इससे रूहान को प्रॉब्लम होगा, अनहाइजीनिक है ये सारी चीज़। लेकिन नहीं, व्लॉग में कमेंट्स पढ़ने के बावजूद ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जितना ज़्यादा इन्हें कमेंट करो, जितना ज़्यादा लोग इन्हें बोलते हैं, समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, उतना ज़्यादा ये लोग वही सारी हरकतें करते हैं, क्योंकि आदत से तो बाज आने वाले हैं नहीं। सबका सब खुद पे ही अपने आप को इतना ही महान समझने लगे हैं कि हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और कोई लायक के नहीं है। ना कोई अच्छी चीज़ दिखाना है, ना कोई अच्छा मैसेज देना है लोगों को। जितनी भी गलत चीज़ें हैं, गलत मैसेज है, वही लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि लोग तो अंधभक्त है ही, तो इनका फालतू का ज्ञान सुनते भी हैं, व्यूज़ देखते भी हैं, और वही सारी गंदगी और वही सारे नेगेटिव चीज़ें पूरे इन्वायरमेंट में फैलाते हैं और पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। तो बस यही इनका काम है और यही अपने ब्लॉग में ये दिखाते रहते हैं। चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए याद रखिए, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।